कैसा लगेगा आपको यदि आपको कोई बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कुछ जादुई टिप्स दे सके। तो अगर आप एक्साइटेड हैं बोर्ड पेपर में अपना बेस्ट देने के लिए, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी पेरेंट्स और टीचर आपके मार्क्स देखकर प्राउड फील करें, तो ये समझ लीजिए कि आगे के कुछ मिनट्स आपका ही इंतजार कर रहे हैं। आज हम जानेंगे हम परीक्षा में अपने मार्क्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। आप एग्जाम में अपने अच्छे मार्क्स तो लाना ही चाहते हैं, क्योंकि अच्छे मार्क्स लाने पर हमें बहुत सारी खुशी मिलती है, जिसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे हम उस समय अपने मित्रों, अध्यापकों, सगे संबंधियों सभी के लिए चर्चा का विषय बने होते हैं। बोर्ड परीक्षाओं में अच्छी रैंक प्राप्त करने के बाद हम फेमस भी हो चुके होते हैं। हमें कई कॉलेजों द्वारा भी पढ़ने के लिए ऑफर्स दिए जाते हैं। मेरिट बेस पर होने वाले सिलेक्शंस में तो हमें सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया जाता है। यह सब देखकर हमें जो मोटिवेशन मिलती है वो हमेशा हमें टॉप लेवल पर बनाए रखती है। तो ऐसे ही कुछ कारणों की वजह से शायद आप और सभी स्टूडेंट्स टॉपर बनना चाहते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं। अच्छे मार्क्स लाने के लिए अलग से कुछ नहीं करना होता है, बस आपको याद रखना है कि जब से आपकी न्यू क्लासेस का सत्र प्रारंभ हुआ है, तब से जो कुछ भी आपको स्कूल में पढ़ाया जाए या जो आपके सिलेबस में निर्धारित हो, उतनी पढ़ाई आपको नियमित रूप से करते रहना है। और आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको साथ में तैयार भी करते रहना है, उसे याद करते रहना है। कई बार हम बहुत आराम से केवल स्कूल जाकर खेल कूद कर या कुछ भी ऐसा करके अपनी पढ़ाई का पूरा टाइम निकाल देते हैं जो हमारी पढ़ाई से बिल्कुल रिलेटेड ही नहीं है। और जब हमारे एग्जाम्स आते हैं तब कहीं जाकर हम पढ़ना, याद करना और समझना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमारी रुचि होने के बाद भी हमें काफी सारे सब्जेक्ट बोझे जैसे लगने लगते हैं, क्योंकि हम थोड़े से निश्चित समय में वह सब कुछ याद नहीं कर सकते जितना हम याद करना चाहते हैं या जितनी हमें याद करने की जरूरत है। और हमारा सिलेबस भी इतना छोटा नहीं होता है। हमारे सिलेबस में जब आप एक एक सब्जेक्ट, फिर उनके एक एक लेसन्स और फिर एक एक क्वेश्चंस आंसर्स अच्छे से पढ़ते हैं, तब जाकर कहीं आपको उसमें से कुछ भाग याद होता है। इसलिए हमें कुछ भी कभी भी पेंडिंग नहीं रखना चाहिए और प्रतिदिन पढ़ाई करने समझने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके याद जरूर करते रहना चाहिए और लिखने की प्रैक्टिस भी करते रहनी चाहिए। अगर हमें थोड़ा बहुत हर एक लेसन के बारे में जानकारी होगी तो हमें एग्जाम से पहले बोर नहीं होना पड़ेगा। हमें आसानी से कोई भी क्वेश्चन याद हो जाएगा, जिससे हमें अच्छे मार्क्स लाने में आसानी होगी। अगर आपने अभी बताई गई सभी चीजें फॉलो की हैं और आपकी सभी सब्जेक्ट की अच्छी प्रिपरेशन भी हो गई है, तब भी आपको अच्छे मार्क्स लाने में या 100% स्कोर करने में कठिनाइयां हो सकती हैं, जब तक आपकी लिखावट अच्छी ना हो या आपको लिखने के तरीके ना मालूम हो। एग्जाम में जैसा आप सामान्य रूप से लिखते हैं उसे कुछ अच्छा लिखने की कोशिश करें। एग्जाम में आपकी कॉपी में लिखावट साफ सुथरी होनी चाहिए, अच्छा शब्द वाक्य ऐसे लिखे होने चाहिए जिसे परीक्षक को उसे पढ़ने में कोई परेशानी ना हो, वह उसे आसानी से समझ सके। अगर ऐसा होता है तो आपको आसानी से अच्छे मार्क्स ही देगा और आपके एक भी नंबर राइटिंग के लिए नहीं कटेंगे। तो अब प्रश्न यह हो सकता है कि आखिर लिखावट सुधरेगी कैसे। इसके लिए एग्जाम में आपको पूरा ध्यान अपनी कॉपी पर रखना है, आपने जो तैयारी की है और जिस विषय की परीक्षा है केवल उसी विषय पर पूरा फोकस रखना है। आपको आंसर्स लिखने से पहले क्वेश्चंस को समझ लेना है, जिससे ओवर राइटिंग और कटिंग से आप बचे रहें। आपको आंसर्स से टीचर को कंफ्यूज करने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। सारे आंसर्स में केवल वही लिखना है जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हो, और जो उत्तर आपको सही तरीके से आते हैं उस पर ध्यान देकर उन्हीं से शुरुआत करनी है, ताकि आप उनमें पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकें। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि यदि आप प्रश्न के क्रम को इधर उधर करते हैं तो सही प्रश्न संख्या और उत्तर संख्या डालते रहें, जिससे कॉपी चेक करने वाले टीचर को बहुत परेशानी ना हो और वह आपके उत्तर को आसानी से देखकर मार्किंग कर सके। तो आपको प्रश्नों को क्रम में ही लिखना चाहिए, मतलब जो प्रश्न जहां है उसका उत्तर वही लिखें। जैसे आपको पहला क्वेश्चन आता है और दूसरा नहीं आता, तो आपको पहला करना है और उसके बाद तीसरा आता है तो वह करना है। लेकिन अगर दूसरा आप किसी भी तरह से कर सकते हैं तो पहले के बाद दूसरा ही करने की कोशिश करें, जिससे आपका क्रम नहीं बिगड़ेगा और क्रम ठीक रहने पर आपकी पहचान हो जाती है और कॉपी चेक करने वाले को ऐसा लगता है कि आपने ठीक तरह से पढ़ा है, तभी आपने सारे आंसर ठीक तरीके से लिखे हैं। और उसके लिए भी कॉपी चेक करने में आसानी होती है, अगर आपके किसी प्रश्न उत्तर का क्रम गलत हो गया है तो वह उसे भी आसानी से समझ जाता है। लिखते समय एक बात और ध्यान रखनी है कि आपकी हेडिंग सही तरीके से लिखी होनी चाहिए। हेडिंग का कलर बाकी जो कुछ आपने लिखा है उससे अलग होना चाहिए। आप ब्लैक ब्लू पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हेडिंग ब्लैक पेन या ब्लैक मार्कर से ही लिखी होनी चाहिए। आपकी सब हेडिंग भी ब्लैक पेन से ही लिखी होनी चाहिए और महत्वपूर्ण शब्द रेखांकित होने चाहिए। ऐसा करने से आपके उत्तर पहले से ही कॉपी चेक करने वाले को अच्छे दिखेंगे और आपने क्या लिखा वह आसानी से समझ जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। कई छात्रों के साथ ऐसा होता है कि आपका घर पर पढ़ने का मन नहीं करता है। अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई घर पर ठीक प्रकार से नहीं हो रही है या घर पर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप कोचिंग स्टार्ट कर दीजिए। कोचिंग में आपको एक निश्चित टाइम तक पढ़ना ही पड़ता है, वहां पर और छात्र होते हैं जिससे आपको पढ़ाई करने के लिए अच्छा माहौल भी मिल जाता है। कोचिंग में अगर आप फीस भी दे रहे होते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा रहता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये जरूर सोचते हैं कि यार फालतू में पैसे बर्बाद करने से क्या फायदा, मुझे पढ़ने जरूर जाना चाहिए। और अगर अभिभावक फीस जमा कर रहे हैं तो वो भी कोचिंग जाने के लिए आपको जरूर कहेंगे और आपकी पढ़ाई ठीक से चलती रहेगी। अगर आपको कोचिंग करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है या किसी वजह से आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो घर पर आपको टाइम टेबल बनाकर जरूर पढ़ना पड़ेगा।
आप घर पर अपने फोन की हेल्प से यूट्यूब पर लेक्चर्स लेके आसानी से पढ़ सकते हैं। आप कोचिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन टाइम टेबल आपके लिए बहुत जरूरी है। टाइम टेबल में आपके पढ़ने के लिए टाइम फिक्स होना चाहिए। जो समय आपके टाइम टेबल में आपके पढ़ने के लिए निर्धारित है, उस समय आपको पढ़ना ही है। टाइम टेबल में पढ़ने, खेलने, व्यायाम करने जैसी जो चीजें आपके दैनिक जीवन में जरूरी हैं, उनको रखना चाहिए। खेलने से, बाहर थोड़ी देर घूमने से आपका दिमाग फ्रेश रहता है। अगर आप पढ़ाई करते समय बोरिंग महसूस कर रहे हैं, तो आप थोड़ी देर टहल सकते हैं या फिर खेल सकते हैं, दोस्तों से बात कर सकते हैं। इस तरह से टाइम टेबल बनाकर आप अपनी पढ़ाई को नियमित बनाए रख सकते हैं। इन सभी बातों को फॉलो करके आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। अधिकतम मार्क और टॉप रैंक लाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी पढ़ाई में रुचि और उसके साथ पढ़ाई के लिए आपके द्वारा किया गया हार्ड वर्क। आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर तथा कठिन परिश्रम करके अपने अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं और टॉपर बन सकते हैं। आपको यह बात याद रखनी है कि हम सबको वही करना अच्छा लगता है जो हमें आसान लगता है, क्योंकि हम यह महसूस नहीं कर पाते कि हम जो करना शुरू कर देते हैं वही आसान हो जाता है। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें चाणक्य एजुकेशन सेंटर के साथ। आप सभी का हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।